हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। रीडिंग लिखना आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अपना टॉपिक है भाई रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक टर्म होता है भाई, जब रिडॉक्स पढ़ना स्टेट स्टार्ट करते हो तो उसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। समझ पा रहे हैं आप? ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है। अब एक टर्म लोग कहते हैं, सर ये रियल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल। कहते हैं समझो कि मान लो ये NaCl है, ये बनेगा तो Na प्लस बनेगा या Cl माइनस होता है, कंप्लीट सोडियम प्लस और कंप्लीट क्लोरीन पे माइनस, इसे कहते हैं रियल। दूसरा देखिए इमेजिनरी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी का सेंस होता है कल्पना करना। मान लो ये H है और ये Cl है, तो कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो यहां थोड़ा निगेटिव आ गया, यहां थोड़ा पॉजिटिव आता है, ये पार्शियल चार्ज बोलते हैं इसको। ये डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा का सेंस होता है पार्शियल चार्ज। ये जो पार्शियल चार्ज है, कुछ समय के लिए हम लोग इसको डेल्टा की वैल्यू वन मान लेते हैं, कुछ समय के लिए डेल्टा की वैल्यू वन मान लेते हैं, जबकि रियल में ये वन नहीं था, रियल में वन नहीं था, फ्रैक्शनल था, लेकिन हमने कुछ समय के लिए मान लिया इसको, ये रियल है जबकि रियल नहीं था। उसी को बोलते ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कि कभी वो रियल में ही होगा और कभी रियल नहीं होता। जब रियल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। तो जो भी इमेजिनरी होता है उसे मान लेते कुछ समय के लिए 100% आयनिक। उसे क्या मान लेते हैं कि 100% क्या होगा, आयनिक होगा। देखिए इसमें इट इज द इक्वल टू द रियल और हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। कैसा होता भाई, इमेजिनरी होता है। ये मान लिया जाता रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, प्रेजेंट ऑन एटम, ठीक है, व्हेन द कंपाउंड इज, ये मान लिया जो कंपाउंड है वो 100% आयनिक, व्हेन कंपाउंड इज considered as 100% आयनिक। ठीक है, कंपाउंड कैसा 100% आयनिक है, ये मान लिया जाता है रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में कुछ पे चार्ज होता है एग्जैक्ट, कुछ पे एग्जैक्ट नहीं होता, उसे मान लिया जाता है कुछ समय के लिए, मान लिया जाता है कि 100% आयनिक है। क्या है वो, आयनिक है। थोड़ा वो इस बात को अगर अच्छे समझने की कोशिश की जाए, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक्चुअल चार्ज होता है, क्या होता है, एक्चुअल चार्ज। देखो इसका क्या सेंस है, मान लो जैसे हमने एग्जांपल लिखा NaCl का, ये आप जानते हो कि टूटेगा तो बनेगा Na+ और Cl- यदि चार्ज लिखा जाए, चार्ज
सोडियम पे प्लस वन है और क्लोरीन पे माइनस वन। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, देखो आपने डिफरेंसेस क्या लिखा, इट इज द इक्वल टू रियल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज वो चाहे रियल हो, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी चार्ज हो, जो किसमें प्रेजेंट होगा, एटम में, प्रेजेंट ऑन एटम में, यानी कोई भी एटम होगा उस पर जो चार्ज होगा वही क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां क्या हो जाएगा प्लस वन, और यहां क्या हो जाएगा माइनस वन, जो भी इस पे चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो मान लेते हैं MgCl2, नेक्स्ट एग्जांपल है MgCl2, अगर ये टूटेगा Mg पे प्लस टू बनेगा और टू Cl माइनस बनेगा। पहले चार्ज देखा जाए, चार्ज तो मैग्नीशियम पे प्लस टू है, क्लोरीन पे माइनस वन है। तो जब कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जो चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं भाई, ये हो जाएगा इसका प्लस टू, इसका माइनस वन। ये जो चार्ज लिखा वो एग्जैक्ट वन एटम का लिखा गया है, वो कोई पूरे मॉलिक्यूल का नहीं लिखा गया। जैसे और देखो, जैसे हमने लिख दिया HCl, ठीक। तो अब यहां पे देखना ये होता है कि भाई 100% तो आयनिक है नहीं, ये सीधी सी बात है कि 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, जबकि ये आपका मेटल, ये नॉन मेटल था। यहां समझ में आता था कि भाई यहां पे प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो यहां पे देखा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, क्या देखते हैं दोस्त, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। कहते हैं कि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन का 3.0। अब कहते हैं सर यहां जब इसको बाहर बनाया गया, फिर से बना के देखा गया H और Cl को, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो होता क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसको अपने तरफ खींचेगा, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा उसको डेल्टा से दिखाते हैं, इधर घटने लगेगा उसको भी डेल्टा से दिखाते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उधर माइनस लगा देंगे, जिधर से आ रहा है उधर प्लस लगा देंगे। क्योंकि एक तरह से जो डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां आपको क्या है बताओ, चार्ज तो हाइड्रोजन पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस डेल्टा है। तो अब अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर बोलना होगा तो डेल्टा की वैल्यू कंसीडर्ड की जाती है वन, ये जो डेल्टा उसको कंसीडर्ड वन के बराबर माना जाता है। डेल्टा क्या मानते हैं, वन, ये हो जाएगा प्लस वन और ये हो जाएगा माइनस वन। इस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड में उस एटम का चार्ज क्या है, ठीक है। तो ये ऑलवेज, जैसे मान लो हमने लिख दिया जल, मान लो ऐसे होता है, अब कोई कह रहा सर बताओ यहां पे क्या होगा, तो कहेंगे ये देखो इधर से डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इधर से देखोगे तो मार्कर चेंज करके लिखते हैं, ये भी डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब इस हाइड्रोजन पर देखा जाए तो ये डेल्टा है, इस पर देखा जाए तो ये डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू हमको चार्ज बोलना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जब बोलना होगा, कहेंगे सर ये प्लस वन है और यहां भी बोलना, कहेंगे ये भी प्लस वन है, इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस वन होगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू वन मानी जाती है। आपको क्या बताओ इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन पे दो डेल्टा है, कितना है दो डेल्टा, इसको मानेंगे माइनस टू। यानी कोई पूछो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कहेंगे माइनस टू होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा कितने हैं दो, और नोट करो इसको आप। तो याद रखना कभी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल चार्ज भी होता है, रियल जैसे वो देखो आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि एक तरह से माना जाता है भाई ये मेटल नॉन मेटल है। जैसे जितने भी तुम्हें साल्ट मिलेंगे, साल्ट उसमें कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव मिलेगा, जितने भी साल्ट है, NaCl है, KCl, MgCl2, मोहर साल्ट है, पोटासियम है, कार्बोनेलाइट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, ब्लू विट्रियल, तो जितने भी साल्ट आपको मिलेंगे सभी साल्ट में आपको क्या होता है, ये प्लस होगा कंप्लीट माइनस होता है, उसी कहते हैं रियल चार्ज, उसी क्या बोलते हैं भैया, रियल चार्ज। जबकि यहां देखो यहां पे रियल नहीं है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ये बातें हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट में,
तो डायपोल में ये पढ़ते हैं कि भाई ये पोलर बॉन्ड है, कैसा है, पोलर है। क्यों पोलर है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एच से, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग वाला उसे क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। इसी डेल्टा को मानते हैं एक, वन माना जाता है इस डेल्टा को, कितना माना जाता है वन। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है तो प्लस वन हो गया, पार्शियल नेगेटिव है माइनस वन हो गया। इसी डेल्टा को फ्रैक्शनल चार्ज भी बोला जाता है, इसी डेल्टा को फ्रैक्शनल चार्ज। नोट करो बाबू इसको, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग भाई पढ़ेंगे रूल्स, क्या पढ़ेंगे रूल्स, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस में हमें निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसके कुछ रूल होते हैं, लिखना रूल नंबर वन, रूल नंबर वन। पहला रूल देखो क्या होता है कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें मॉलिक्यूल्स में अगर पूछा जाएगा बताओ इस मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो उस मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस सभी एटम का सम करने पे जो आता है उसी के बराबर होता है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स का पूछा जाएगा तो उसमें उस सबका सम कर देंगे और देखा जाएगा क्या आ रहा है। जैसे लिखना पहला पॉइंट सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो भाई सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल करना, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ भी दिया रहेगा, मॉलिक्यूल या किया दिया आपका कंपाउंड इज जीरो, क्या होता है भाई जीरो होता है। वो कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दे, जैसे हमने देखो लिखा H2SO4 H2O NH3 H3PO4, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दे। मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये मान लो A, ये B और यहां पे C, A B A B A B C। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो ये A है 2A प्लस B प्लस 4C, जब सबका सम करोगे तो कितना आएगा वो जीरो। इस इसका देखो 2a प्लस b सम करने पे जीरो, a 3b सम करने पे जीरो, 3a प्लस b प्लस 4c सम करने पे जीरो। ये किसी का भी अगर आपसे पूछा जाए और यदि वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो सभी एटम का सम कीजिएगा तो जो नेट आएगा आपका वो जीरो आता है। लिखा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज नोन एज या इज जीरो। जैसे देखो यहां पे क्या होता है, मान लिया मैं लिख दिया H2SO4, समझ पा रहे हैं? तो आप ये समझ गए कि सर सबका क्या होगा जीरो। अब जिस उन्होंने लिखा H2O2O3P4S8, जैसे ग्रेफाइट का नाम सुना होगा आपने, ग्रेफाइट डायमंड, तो अगर ये सेम टाइप का है तो अगर 2x बराबर 0, भाई कितने हाइड्रोजन है, दो, मान लो दो के एक का x, मान लो दो के दो x हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन में लिख देंगे मान लो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। उस सेम टाइप का जितना भी होगा 3x बराबर जीरो, मान इसमें 4 हो जाएगा 4x बराबर जीरो, चाहे जितना भी वो 8 होगा तो 8x बराबर क्या होगा जीरो। ये भी क्या हो जाएगा ग्रेफाइट में भी जीरो, डायमंड में भी क्या होगा जीरो। वो कहना चाह रहे चाहे जितने भी एटम हो, चाहे वो सेम टाइप का हो चाहे डिफरेंट टाइप का, यदि वो न्यूट्रल है
न्यूट्रल होगा तो उसका सम करने पर कितना आएगा? जीरो आएगा। उसका सम करने पर कितना आएगा भाई? जीरो आएगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, नेक्स्ट लिखना आप इसमें, ये देखो मैं दिखा रहा हूं एक को, ये कैसे जीरो हो रहा वो भी देखो। नहीं तो अभी आप कहोगे सर ये कैसे, आप बता दिए कि जीरो हो जाएगा। देखो इस बात को समझते हैं यहीं पे। माना जाता है कि मान लो अगर ये सल्फर है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये तो देखा जाए अगर इन दोनों के बीच में, तो इसमें ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन। इधर देखा जाए तो ऊपर का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये माइनस टू, ये प्लस टू, ये माइनस टू, ये प्लस टू। तो अगर सबको देखा जाए थोड़ा सा, सबको अगर बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो जो हाइड्रोजन है उस पर देखो दो प्लस आ रहा है क्या, यानी मान लो एच बराबर हो गया प्लस। तो अगर सभी ऑक्सीजन एक साथ रखा जाए तो देखो ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस टू, यानी माइनस सिक्स हो गया। और यदि सल्फर को देखा जाए तो ये प्लस टू, ये प्लस टू, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड देख रहे हो ये वाला, ये आएगा माइनस वन, ये आएगा प्लस वन, ये आएगा माइनस वन, ये आएगा प्लस वन। तो टोटल अगर निगेटिव देखा जाए तो दो और दो चार, और चार ये आठ हो जाएगा। सल्फर देखो दो पॉजिटिव, दो चार पॉजिटिव, दो छह पॉजिटिव, देखो ये आ रहा है। तो टोटल प्लस भी देखो आठ हो गया, टोटल निगेटिव भी आठ हो गया, यानी जब सबका सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। सबका सम कोई करेगा इसमें तो जीरो होगा। फिर देखो अगर इसमें पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसी H2SO4 में, तो हम कहेंगे देखिए ऑक्सीजन दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। अगर ये ऑक्सीजन देखिए माइनस टू, ये देखिए भी माइनस टू, ये भी माइनस टू, लेकिन ये जो माइनस टू आया यहां पर, यह माइनस वन करके आया, एक इसके वजह से आ रहा है और एक इधर के वजह से आ रहा है। ये माइनस टू है लेकिन डिफरेंस है, डायरेक्ट माइनस टू नहीं है, जबकि आप डायरेक्ट माइनस टू है, क्योंकि दोनों एक ही, मतलब दो बॉन्ड है एक ही दो एटम के बीच में। ठीक है, नोट कर लो आप इसे इस तरह से। ओवरऑल जब इसको सम किया जाएगा तो सम करने पर कितना होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमें यही देखना हो वाटर में, किसी का भी अगर 100% निकालना हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। अगर आपसे कहा गया जल, क्या बोला गया आपसे? वाटर, तो होता है H2O। ठीक, तो कहते हैं इसमें मान लो निकालोगे, अगर इसमें स्ट्रक्चर बनाओगे देखो तो कुछ ऐसे बनेगा ये। जब इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को तो जाएगा माइनस वन, हो जाएगा प्लस वन, इधर देखो तो माइनस वन ही हो जाएगा प्लस वन। यानी ओवर अगर ऑक्सीजन पे देखा जाए, ऑक्सीजन पे तो माइनस टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस वन, और ये भी हो जाएगा प्लस वन। तो देखो जितना हाइड्रोजन पे, अगर एच पे देखा जाए तो दो प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे देखो दो माइनस आ गया, सबको सम करने पे जीरो हो जाएगा। सबको सम करने पे कितना होगा? जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगला देखो, अगर H3PO4 देखना हो थोड़ा, ये आप जानते ही होंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अब सीधा सा देखो, जितने ऑक्सीजन सब पे माइनस टू आएगा, टोटल इस पर माइनस एट होगा। हाइड्रोजन पे देखा जाए इस पर तो टोटल प्लस थ्री होगा, फास्फोरस देखो प्लस फाइव होगा, यानी सबको अगर ऐड किया जाए तो नेट हमारा जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है। जब सबका आप सम करोगे तो सम करने पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? जीरो। सम करने पर क्या आता है भैया? जीरो। हम लोगों ने यही लिखा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कि किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर सबका सम कर दिया जाए तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाता है। या और देखो, लिख के देखा जाए, मान लो हम लोगों ने लिख दिया H2CO3, मान लो हमने लिख दिया H2CO3, तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे C डबल बॉन्ड O,
ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। अब इन दोनों में देखोगे आप तो ये माइनस वन ही हो गया प्लस वन, ये देखो माइनस वन ही हो गया प्लस वन, ये देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये माइनस टू ही हो जाएगा प्लस टू, यहां चेक करोगे तो ये माइनस वन इसकी वजह से प्लस वन, ये चेक करोगे तो ये प्लस, ये माइनस वन ये प्लस वन हो गया। अब यदि सबको झाड़ू मार के इकट्ठा एक तरफ किया जाए, देखो यहां पे देखो देखो थोड़ा झाड़ू कैसे लगाते हैं, ये हाइड्रोजन है कितने टोटल देखो अच्छा दो, टोटल अगर कार्बन देखो तो कितना प्लस फोर, ऑक्सीजन पे टोटल देखो तो माइनस छह, अब सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस छ, ये हो जाएगा माइनस छ, नेट जो आएगा तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा जीरो।